तो मेरी वेलकम एवरी पे, आप में से कोई भी आए, जब मर्जी आए, आपको एक पेयर भी, कम से कम 125 पेयर लगा हुआ है, एक पेयर भी आपको स्प्लिट टू स्प्लिट नहीं नजर आएगा। पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है, उसका तो नामो निशान नहीं है। वेलकम एवरी जब भी पेयरिंग करती है, एक विजुअल बर्ड होता है, एक स्प्लिट होता है रेड डाई में। उसके बाद मेरी कोशिश होती है, अब मैं डाइल्यूट अपलाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ, दोनों तरफ विजुअल बर्ड लगाए हुए हैं, मैंने अपना पेल फेलो अपलाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपलाइन दोनों तरफ विजुअल लगे हुए हैं, एक तरफ मैंने स्प्लिट अपलाइन लगा दिया या स्प्लिट इनो लगा दिया, यानी कि उस बर्ड में से जो भी आएगा या कन्फर्म होगा विजुअल बर्ड होगा या स्प्लिट होगा, पॉसिबल का नामो निशान नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप भाइयों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर मुझसे कुछ भाई पॉसिबल पेल फेलो, पॉसिबल डाइल्यूट, पॉसिबल डन फेलो, इस तरह के बर्ड मेरे से पूछते हैं कि जी हम पॉसिबल टू पॉसिबल अगर लगाएं तो क्या रिज़ल्ट आएंगे, और पॉसिबल बर्ड हमें लगाने चाहिए या हम स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएं या विजुअल टू स्प्लिट लगाएं, तो हमें इसके बारे में बताएं। और आज मैं इंशाल्लाह आप भाइयों को इसकी थोड़ी सी वर्किंग बताऊंगा, जहां से आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने ये बर्ड कैसे लेकर चलना है। अच्छा भाइयों, आज फिर मैं एक बार ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने आज तक नहीं देखी है, किसी ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, वही बात आ जाती है फिर, या तो किसी को पता नहीं है या इस पर कोई बनाना नहीं चाहता है। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जितने भी न्यू फैंसियर हैं वो मुझे मैसेजेस करते हैं, तो उनको एक ही बात मैंने पूरी तसल्ली से फ़ोन पे नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसपे उसको प्रॉपर मुकम्मल उसको मालूमात मिल जाए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि पॉसिबल बर्ड कैसे आता है, ठीक है, और उसकी क्या वैल्यू है, और उसको हमें अपने शेड में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, पॉसिबल बर्ड आता कैसे है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, अब मेल अक्सर लोग क्या करते हैं, पैसे कम होने की वजह से भाजन ये इशू होता है, इसलिए मैं कहता हूँ बर्ड अच्छा लगाएं, टॉप क्वालिटी का बर्ड होना चाहिए, और कोशिश करें अगर आपने स्प्लिट बर्ड यूज़ कर रहे हैं एक तरफ, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दूसरी तरफ आप विजुअल बर्ड लगाएं। जब आप दोनों तरफ स्प्लिट लगाते हैं तो भाईजान फिर आगे मसला क्या आता है मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा जी, मेल लिया, ग्रीन, देखने में ग्रीन फिशर है, स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट अपलाइन, स्प्लिट ब्लू, ये मेल लगाया। अब फीमेल क्या लगाई, क्योंकि फीमेल में स्प्लिट अपलाइन नहीं होती, तो वो ग्रीन, स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट ब्लू। जब आप ये पेयरिंग करते हैं, दोनों तरफ स्प्लिट लगाते हैं, आपके मेरे ख्वाब क्या होते हैं, या हमें सबज बाग कौन से नज़र आते हैं कि इसमें से आएगा क्या, ग्रीन डाइल्यूट, ज़बरदस्त, ब्लू डाइल्यूट, ठीक हो गया, और मेन चीज़ ग्रीन डाइल्यूट अपलाइन, ब्लू डाइल्यूट अपलाइन, ये दोनों फीमेल में आ सकती है, मेल नहीं आ सकता। अच्छा, इसके चक्रों में हम ये पेयरिंग करते हैं। अब इसके बाद इसमें से और भी काफ़ी किस्म के बच्चे आ सकते हैं, जो कि ना ही हमारे जेहन में आते हैं, ठीक है। असल ये गेम मार्केट में क्या चल रही है, अक्सर भाइयों को मैंने देखा है वो ये पेयरिंग करते हैं, उसमें से ये जो तीन चार बर्ड आते हैं अच्छे वाले, वो बर्ड अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। अब हालांकि ऐसी पेयरिंग में से एक बर्ड भी आपके पास इस तरह का आ जाए तो आपकी पेयरिंग के पैसे पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो इसके साथ बच्चे आते हैं उनका वो क्या करते हैं, चलाएं मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, पेयरिंग वही है, ग्रीन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, और ग्रीन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, ठीक है। और ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, इतना सारा मैं लिख नहीं सकता हूं, और ये जेनेटिक कैलकुलेटर पे मैंने करके आपको दिखाया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेनेटिक कैलकुलेटर बता रहा है कि इसमें से क्या क्या बर्ड आ सकते हैं। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं ये जो मैंने ग्रीन टिक लगाए हैं,
ठीक है, इस तरफ भी ये फीमेल हैं और ये मेल हैं। अच्छा, इसमें से ये बर्ड अच्छे आते हैं। अब क्या होता है मार्केट में, अब इस पेयरिंग में से डाइल्यूट निकला वो संभाल लेते हैं। संभालने का मतलब ये है, यहाँ तो वो अपने पास रख के उसको पेयरिंग में यूज़ करते हैं, यहाँ उसको अच्छे पैसों में सेल कर देते हैं, यानी कि इसमें से जो अच्छे बर्ड आते हैं। डाइल्यूट स्प्लिट ब्लू है नहीं है ये बाद में पता चलेगा, ये भी डाइल्यूट आया विजुअल, ये भी डाइल्यूट आया रख लिया, और ये ब्लू डाइल्यूट अच्छा बर्ड आया रख लिया, ये डाइल्यूट है स्प्लिट ऑफ लाइन का बाद में पता चलेगा, लेकिन देखने में विजुअल बर्ड आ रहा है डाइल्यूट, इसको भी रख लिया। फिर उसके बाद आ जाए डाइल्यूट स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन आया, इसका भी बाद में पता चलेगा, लेकिन देखने में डाइल्यूट बर्ड आ रहा है। और एंड पे ये देखें ब्लू डाइल्यूट स्प्लिट ऑफ लाइन, क्योंकि इसमें मेल जितने आएंगे वो सारे स्प्लिट ऑफ लाइन के होंगे। अब देखने में जो डाइल्यूट आ रहे हैं विजुअली बर्ड, जब इस पेयरिंग में से डाइल्यूट निकलता है, यहाँ तो वो अच्छी कीमत में बेचते हैं या अपने पास रख लेते हैं। अब फीमेलों में भी इसी तरह डाइल्यूट फीमेल आ गई, ज़बरदस्त डाइल्यूट आ गई, स्प्लिट ब्लू है या नहीं है वो बात की बात है। इसी तरह फिर आ जाए ब्लू डाइल्यूट आ गई डाइल्यूट ऑफ लाइन फीमेल, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए डाइल्यूट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू है या नहीं है वो बाद में पता चलेगा, और ब्लू डाइल्यूट ऑफ लाइन की विजुअली फीमेल आ गई, ठीक हो गया। अब आगे की गेम क्या होती है, ये अच्छे वाले बर्ड आप तक पहुंचेंगे नहीं, अगर पहुंचेंगे तो उनकी कीमत होगी। अब उन्होंने समझ लें उसी तरह जैसे मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी कि कचरे में से सोना, अब ये पेयरिंग में से अच्छे बर्ड सोना उन्होंने निकाल लिया, अब आपके पास बाकी बर्ड कैसे पहुंचेंगे, अब सुनिएगा गौर से। अब आप ऊपर देख सकते हैं ग्रीन स्प्लिट डाइल्यूट है यह बर्ड आया इसमें से, लेकिन जब आपको दिया जाएगा या मैं लेना चाहूँगा तो इसका नाम कैसे आएगा, ग्रीन पॉसिबल डाइल्यूट पॉसिबल अपलाइन पॉसिबल ब्लू, हालांकि उसने सिर्फ एक जीन्स कैरी की है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन फिशर आएगा, ग्रीन फिशर कितने का है, 1500-2000 रुपये का बर्ड है, आपने जब लेना है हर बर्ड के साथ नाम यही लगेगा, ग्रीन पॉसिबल डाइल्यूट पॉसिबल अपलाइन पॉसिबल ब्लू, हर बर्ड के साथ लगता जाएगा, आया आपके पास ग्रीन डाइल्यूट है। उसके नीचे आ जाए जी, ये ग्रीन है स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट डाइल्यूट है पॉसिबल अपलाइन, इसके साथ लग जाएगा। लेते वक्त हमें नहीं पता और देते वक्त उनको नहीं पता, हर बर्ड के साथ क्या होगा, एक नाम शुरू हो जाएगा पॉसिबल डाइल्यूट पॉसिबल अपलाइन पॉसिबल ब्लू, बाकी सबके साथ यही लगता जाएगा। अब वो बर्ड जो हम चाहते हैं कि हम लेते हैं जी ग्रीन पॉसिबल डाइल्यूट है पॉसिबल अपलाइन है पॉसिबल ब्लू है, यार ये कहीं सारे स्प्लिट निकल आए ना तो मज़ा आ जाए, उस तरह का बर्ड सिर्फ एक आएगा ये सारी पेयरिंग में से, वो ये बर्ड है ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट अपलाइन, ठीक हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये ब्लू फिशर आ रहा है, इसके आगे भी पॉसिबल डाइल्यूट पॉसिबल अपलाइन पॉसिबल पॉसिबल करते उन्होंने ये सारे बर्ड सेल करने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने माशाल्लाह जी ये समझ ले के तकरीबन 10-12 ये बन रहे हैं, 10-12 ये बने के 20-25 में से हर किसी ने दो दो पीस लिए, एक इधर से ले लिया ग्रीन ले लिया पॉसिबल डाइल्यूट पॉसिबल अपलाइन पॉसिबल ब्लू, एक फीमेल ले ली, ठीक है। अब वो दोनों ही हैं तो ग्रीन फिशर है, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। अगर बाय चांस किसी की किस्मत बड़ी अच्छी है, ऐसे बर्ड लेते 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 उसके पास ये चला गया ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट अपलाइन, ये मेल चला गया, अब उसके साथ उसकी दूसरी बारी भी इतनी अच्छी किस्मत होनी चाहिए कि जो इसके सामने आ रहा है ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट फीमेल उसको मिले, तो फिर जाके कुछ हो सकता है। अब उसने ये ले लिया ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट अपलाइन, देखने में पता नहीं चलेगा, किस्मत अच्छी उसके पास कुदरती तौर पे चला गया, उसके बाद ये फीमेल चलेगी ग्रीन पॉसिबल डाइल्यूट पॉसिबल ब्लू, तो तब भी जब ये ग्रीन इसके साथ लगेगी तब भी भाईजन कुछ नहीं आना। इधर से आपने ये ग्रीन ले ली
इसके साथ ले ली तो चांसेस अब कुछ बड़ा आ जाए, ठीक है। ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू आपकी इसके साथ लग गई तो सिर्फ ग्रीन फिशर या ब्लू फिशर आएगा, ना डाइल्यूट आएगा ना अपलाइन आएगा। अच्छा, ये कहने का मतलब ये है कि आप जब भी लगाएं अच्छी पेयरिंग लगाएं और कोशिश करें कि आपके पास कम से कम एक साइड पे विजुअल बर्ड हो और दूसरी साइड पे कंफर्म स्प्लिट हो, ताकि उसमें से जो भी बच्चे आएंगे या तो विजुअल आ रहे हैं, चाहे डाइल्यूट के हैं, चाहे पेल फेलो के हैं, चाहे डन फेलो के हैं, ठीक है, किसी के भी लगा रहे हैं, या कम से कम आपके पास स्प्लिट आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, देखें जी आपको पता ही होगा जब हम कोई भी बर्ड लेने जाते हैं, ग्रीन अपलाइन पीछे गुजरा है, स्प्लिट ब्लू, जब हम बर्ड लेके आते हैं हमें डाउट होता है कि यार ये स्प्लिट ब्लू है कि नहीं है, और आपको पता ही होगा शायद यह कि कोई ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू कहकर सच बोलकर वो बेचता हो। अमूमन काफ़ी लोगों ने बताया यार हमने ग्रीन अपलाइन लिया लेकिन यार स्प्लिट ब्लू नहीं निकला, जहाँ पे वो कन्फर्म मुँह से स्प्लिट ब्लू कह रहा है, और ये तो पॉसिबल है, पॉसिबल का मतलब ही यही है या होगा या नहीं। तो इस चक्रों में काफ़ी भाइयों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, सिंपल ग्रीन फिशर इस पेयरिंग से नहीं निकला, आम ग्रीन फिशर निकला, पॉसिबल अपलाइन, पॉसिबल डाइल्यूट, पॉसिबल पेल फेलो, पॉसिबल करके उसने 2000 वाला बर्ड भाईजन 15-20 हज़ार में भी भेज देना। हम सोचते हैं यार ये अगर स्प्लिट डाइल्यूट हो, स्प्लिट अपलाइन हो, स्प्लिट ब्लू हो तो यार ये लाख रुपए का बर्ड बनता है, ये तो 20,000 रुपये का कह रहा है, ये ले लेते हैं 20,000 रुपये का, यार क्या फ़र्क है। असल में भाईजन उसने 2000 वाला बर्ड आपको 20,000 का बेचना था, उसने वो 17-18 हज़ार रुपये की वो कमाई करनी थी। चले आए आपको अब मैं आगे दिखाता हूँ, इसी तरह एक और वर्किंग है, ये भी उसी कैटेगरी की है, वो डाइल्यूट पे बात थी, ये पेल फेलो पे है, ताकि आपको दो वर्किंग बता दूं आपको इजी हो जाएगा समझने में। ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल, उसी तरह ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू की फीमेल। अब इसमें से भी चांसेस होंगे अच्छे बर्ड आने के, वो क्या होंगे, ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू है नहीं है वो बाद में पता चलेगा, ब्लू पेल फेलो, और इसी तरह फीमेलों में ग्रीन अपलाइन पेल फेलो और ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो। अब जिसके पास ये बर्ड आते हैं ऐसी पेयरिंग लगा कर उसका मकसद पूरा हो जाता है भाईजन, एक पीस भी निकल आए ना तो पेयर के पैसे पूरे हो गए। लेकिन आप ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, वो उसी तरह 20-25 किस्म के बच्चे आने तो भाईजन एक क्लच में हमारे पास 4 बच्चे आते हैं, तो आपकी किस्मत अच्छी होगी एक आधा ऐसा पीस एक क्लच में निकल आए, ठीक है। लेकिन बकाया आपके पास जो 3 निकलेंगे वो पॉसिबल 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 होंगे। आए आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी उसी तरह है, ये मैंने टिक किए हुए हैं, ये वाले अच्छे बर्ड आएंगे इसमें से, मसलन ग्रीन पेल फेलो अच्छे रेट पे बिकेगा या वो अपने शेड में रखेगा, ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू बाद में पता चलेगा, ब्लू पेल फेलो आ सकता है, ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट अपलाइन का मेल आ सकता है, ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू स्प्लिट अपलाइन ये भी आ सकता है, और ब्लू पेल फेलो देखने में देखे ना, ग्रीन पेल फेलो ब्लू पेल फेलो इस पेयरिंग में निकल आया, सिंपल भी हो तो भाई जन आपके ऑलमोस्ट पैसे पूरे हो जाते हैं। अब फीमेल में उसी तरह ये फीमेल आएंगी, एंड पे आप देखेंगे ग्रीन पेल फेलो अपलाइन स्प्लिट ब्लू, ये अच्छा बर्ड है जो इसमें से मैक्सिमम आ सकता है, और ब्लू पेल फेलो अपलाइन फीमेल में आ सकता है। अच्छा, अब बाकी बर्ड भाईजन जो आपको दिए जाने हैं या मैंने लेने हैं किसी से, तो वो मुझे इसी नज़रियत से मिलेंगे। ये देखें सबसे पहले ग्रीन आ रहा है, नाम क्या होगा इसको बेचते वक्त, ग्रीन पॉसिबल अपलाइन पॉसिबल पेल फेलो पॉसिबल ब्लू है भाईजन, ग्रीन फिशर है। फिर वही बात, एक बर्ड ऐसा आएगा इस पूरी पेयरिंग में से ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन, ठीक है, ये जिसके पास चला गया उसके नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे। बकायों के पास ब्लू फिशर आ रहा है, पॉसिबल अपलाइन पॉसिबल पेल फेलो पॉसिबल डाइल्यूट पॉसिबल ब्लू, इसी तरह करके ये चलता है, ये ग्रीन में भी चलता है, ग्रीन स्प्लिट ब्लू है, साथ इसके 2 पॉसिबल पॉसिबल चलेंगे, और ये ग्रीन भी पॉसिबल ब्लू भी पॉसिबल कहलाएगा, ये ब्लू आ रहा है। अब ग्रीन किसी में स्प्लिट ऑफ लाइन आया सिर्फ,
ना वो स्प्लिट ब्लू है ना स्प्लिट पेल फैलो है, लेकिन कहा क्या जाएगा ग्रीन पॉसिबल अपलाइन पॉसिबल पेल फैलो। मैं इस तरह बार बार क्यों बता रहा हूँ कि जब हम ये चीज़ें बताते हैं ना, अब न्यू फैंसर को क्या मुश्किलात आती है। मेरी जो उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा यार मैंने ये बर्ड लिया था, आपको छोटा सा बताता हूँ कि एक भाई मेरे पास आए थे, ठीक है, उन्होंने 10-11 लाख के बर्ड लिए थे, तो उसके बाद उनको कोई घर में प्रॉब्लम होगी, उनकी मिसिस थी, अल्लाह ताला से तो तंदुरुस्ती दे उनको ना, वो हॉस्पिटल में थी तो उनको काफ़ी मुश्किल थी। उन्होंने कहा यार मैं बर्ड सेल करना चाहता हूँ। मैंने कहा यार जिनको लिए उनको सेल कर दो, तो उन्होंने कहा यार नहीं मेरा उनसे रबता नहीं हो रहा ऐसे करके। बहरहाल तो मैंने कहा यार चले आप ले आए तो आप मेरे पास चक्कर लगाइएगा, तो इन ताला मैं कोशिश करूँगा जितने होंगे मैं कर लूँगा। अच्छा जब मेरे पास लेकर आए ना, तो मैंने बर्ड जब देखे ना भाईजन, तो बर्ड ऐसे ग्रीन फिशर ब्लू फिशर नज़र आने में, और जब मैंने उससे कहा कि भाईजन आगे क्या है, तो उसने वो जब दिखाया पॉसिबल अपलाइन पॉसिबल कोई डायलूड कोई पॉसिबल पेल फैलो कोई कुछ पॉसिबल, मैंने कहा यार इसमें तो मुझे समझ नहीं आ रही है। तो उसमें से 2-4 बर्ड थे जो मुझे समझ आई, मैंने कहा यार ये मुझे दे दो, ये मैंने उसको उसी टाइम पैसे दे दिए, भाई आपकी जो परेशानी अल्लाह ताला ख़त्म करे, अब जाएँ अपना काम करें। और जो बकाया थे मैंने उससे माजरत कर ली, मैंने कहा भाई मैं देखें अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो आपसे मैं बर्ड ले कर मैंने घर नहीं लगाने, मैं किसी और को दे दूँगा, कम पैसों में दे दूँगा, लेकिन भाईजान आगे मैं पॉसिबल पॉसिबल करके देता हूँ तो भाईजान ना कुछ निकला तो फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपने जिससे लिए हैं भाईजान उसने कन्फर्म स्प्लिट भी लगाए थे कि नहीं लगाए थे, कि खाली ग्रीन फिशर भी ब्लू फिशर उठा के आपको दे दिए। तो भाईजान इस मामले में काफ़ी फ्रॉड भी हो रहा है, काफ़ी लोग ग्रीन फिशर ब्लू फिशर सिर्फ मुंह से निकाल लें पॉसिबल अपलाइन पॉसिबल डाइल्यूट, तो वो बर्ड ऐसे ही 10-15 हज़ार ऊपर मांग लेते हैं। स्प्लिट बर्ड जो आपको देता है, जैसे मैंने बताया कि भाईजान मैं आपको स्प्लिट बर्ड देता हूँ, स्प्लिट अपलाइन है या स्प्लिट ब्लू है, भाईजान अगर नहीं निकलेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ वापस करूँगा, मेरी पिछली आप वीडियो में देख लीजिएगा। पॉसिबल तो भाईजान बड़ा इजी और आसान रास्ता है फ्रॉड करने का, कि सिंपल ग्रीन फिशर जाके मैं टलंडर मार्केट से उठाता हूँ 2000 रुपये का, आके इधर रख के मैं पॉसिबल पेल फैलो पॉसिबल डन फैलो पॉसिबल डाइल्यूट करके मैं उसको कम से कम भी 50,000 का बेच सकता हूँ, ठीक है। जब आप वापस आएंगे भाईजान यार ये निकला नहीं, मैं कहूँगा भाई पॉसिबल था, नहीं निकला आपके नसीब। कहने का मतलब है कि हमें इस तरह के लोगों को मौका नहीं देना चाहिए कि जो हमारे साथ फ्रॉड कर सके। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, माशाल्लाह बड़े अच्छे ब्रीडर हैं, ठीक है, जिनका नाम है आप उनके साथ चले जैसे भी है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप काफ़ी भाई मेरे पास आते हैं, बहनें आती हैं, और कभी भी कोई भाई भी मेरी वेलकम एवरी पे आए, मैं अपनी चीज़ बताता हूँ कि मैं न्यू फैंसर को कैसे गाइड करना है। बाकी लोगों का नहीं, मेरा कोई लिंक है उनके साथ ना, या उनका मेरे साथ लिंक है, हर कोई अपनी अपनी मेहनत कर रहा है और हक हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी वेलकम एवरी पे आप में से कोई भी आए, जब मर्जी आए, आपको एक पेयर भी कम से कम 125 पेयर लगा हुआ है, एक पेयर भी आपको स्प्लिट टू स्प्लिट नहीं नज़र आएगा। पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है, उसका तो नामो निशान नहीं है। वेलकम एवरी जब भी पेयरिंग करती है एक विजुअल बर्ड होता है, एक स्प्लिट होता है रेड डाई में। उसके बाद मेरी कोशिश होती है, अब मैं डाइल्यूट अपलाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ, दोनों तरफ विजुअल बर्ड लगाए हुए हैं, मैंने अपना पेल फैलो अपलाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपलाइन दोनों तरफ विजुअल लगे हुए हैं, एक तरफ मैंने स्प्लिट अपलाइन लगा दिया या स्प्लिट इनो लगा दिया, यानी कि उस बर्ड में से जो भी आएगा या कन्फर्म होगा विजुअल बर्ड होगा या स्प्लिट होगा, पॉसिबल का नामो निशान नहीं होगा। और दूसरी बात भाइयों आपको और बहनों मैं आपको बताता चलूँ, अगर देखें कोशिश करें 10 पेयर आपने पॉसिबल के लगाने हैं ना, कोशिश करें उसमें से आप 4 पेयर लगा लें, 3 लगा लें, 4 लगा लें, स्प्लिट टू विजुअल लगाएं, ना आपको परेशानी होगी ना अगले बंदे को लेने वाले को परेशानी होगी, और आप गारंटी के साथ भाईजान ये बर्ड लेके जाएं, स्प्लिट ना हुआ मैं डबल पैसे दूंगा, इस तरह की आप गारंटी दे सकते हैं, आपका नाम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब भाईजान आप पॉसिबल पॉसिबल करेंगे ना, तो अगले बंदे के जो 10-11 लाख है ना वो भी पॉसिबल ही हो गए, निकल आया तो फ़ायदा, ना निकला पॉसिबल की तरह उसकी रकम भी गई, फिर तो वो सादे ग्रीन फिशर ब्लू फिशर रह गए, वो तो पॉसिबल भी ना रहे फिर। और दूसरी बात मैं आपको एक और बताता चलूँ, काफ़ी लोगों ने ना बड़ी अच्छी पेडिग्री बर्ड पॉसिबल में बना ली हुई है, भी एक पॉसिबल बर्ड आप जब स्प्लिट टू स्प्लिट से बर्ड निकलता है
उसमें से पॉसिबल वर्ड होता है। अब पॉसिबल से आगे जो निकलेगा वो पॉसिबल नहीं कहलाएगा, वो सादा कहलाएगा। ये बात याद रखना। अक्सर लोगों को देखा है इस तरह के पॉसिबल ले लिए, अब विजुअल आ रहा है नहीं आ रहा, आगे ग्रीन फिशरी आ रहे हैं तो उसको पॉसिबल पॉसिबल करके बेची जा रहे हैं। भाई उन्होंने पैडी करी बर्ड पॉसिबल में बना लिए हुए हैं। भाई एक बारी आपका पॉसिबल बर्ड निकल आया, उसमें से विजुअल आता है ठीक है, नहीं आता तो जितने आएंगे वो सिंपल बर्ड होंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, देखें आपके पास ग्रीन पेल फेलो निकल आया, वर्जन एक भी निकला है आपके पैर के पैसे पूरे, ब्लू पेल फेलो निकल आया, इस तरह ब्लू अपलाइन पेल फेलो निकल आई फीमेल, ठीक है ग्रीन अपलाइन पेल फेलो फीमेल निकल आई आपकी, तो वर्जन आपके पैसे पूरे। उसके बाद आपके पास ग्रीन फिशर है, चाहे आपको कोई कहे पॉसिबल पेल फेलो पॉसिबल डन फेलो, उसकी प्राइस नहीं होती। जो विजुअली नज़र आ रहा बर्ड उसकी प्राइस देनी है। 2000 का ग्रीन फिशर है भाईजन, 2000 ले लें, हद 1000 रुपये ऊपर ले लो यार, 3000 रुपये बस इनफ है। क्योंकि भाईजन अब मैं आपको बता रहा हूँ उस बंदे का जिसने वो पेयर लिए थे, अब वो कह रहा था यार मैंने पॉसिबल करके लिए हैं पेयर, अब मेरा विजुअल नहीं निकला तो मेरे जो 10 से 11 लाख थे वो क्या सिर्फ 2 लाख रह गया मेरा, कह रहा मैं पैसे पूरे कैसे करूं। वो कहता यार मुझे भी मजबूरी है, मेरे आगे से भाई चाहे ग्रीन फिशरी आ रहे हैं, मैं पॉसिबल पॉसिबल करके मैं 2000 वाला बर्ड मैं कम से कम 25000 का तो बेचूंगा। तो भाई जन उसने तो बेचना ही बेचना है, जब उसके साथ फ्रॉड हुआ उसने अपनी रकम तो पूरी करनी है 11 लाख रुपया, तो उसने आगे ही पॉसिबल पॉसिबल करके चलते जाना है। आपके पास ब्लू आ गया भाई जन, 7-8000 का बर्ड है, 7-8000 रुपये में खरीदे या दे, अच्छा जी ये ग्रीन, अच्छा इसके बाद आप इसमें देखिए ऑप्शन आ सकती है ग्रीन अपलाइन फीमेल आ गई, 25-30000 रुपये रेट भेज दें। अब जब आप इसको ग्रीन अपलाइन पॉसिबल ब्लू पॉसिबल पेल फेलो करेंगे तो आप इसको ले जाते 50-60000 रुपये पे, ये गलत चीज़ है। और आप बेशक उसको कहें कि जी ग्रीन अपलाइन पॉसिबल ब्लू पॉसिबल पेल फेलो है, लेकिन प्राइस पॉसिबल की नहीं होती, वो यही रेट होगा ग्रीन अपलाइन का जो रेट है मार्केट में वो होगा। उसको कहें भाईजन ये आपका पॉसिबल है निकला है तो आपके नसीब, मैं ग्रीन अपलाइन के पैसे ले रहा हूँ, मैं ब्लू फिशर के पैसे ले रहा हूँ, मैं ये आपके पास आ गया है फॉर एग्जांपल इधर से देख लेते हैं, ये ग्रीन अपलाइन हो गया था ठीक है, ये ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू भी आ गई है, ये ग्रीन अपलाइन है, ये पॉसिबल पेल फेल हो गया। अब ये देखें इसमें स्प्लिट ब्लू आया है, इसमें स्प्लिट पेल फेल आया है ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबल पॉसिबल करके एक बर्ड में आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो बर्ड नज़र आ रहा है उस हिसाब से पैसे दें, उससे ज़्यादा पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा हर कोई अपना जहन रखता है अपना माइंड है, उसके बावजूद कोई पेयरिंग करना चाहता है पॉसिबल टू पॉसिबल लगाना चाहता है तो भाई वो लगा सकता है। मैं अपने न्यू फेंसर के लिए बताता हूँ क्योंकि बाद में वो एक तो मेरा सर खाया होता है भाईजन पॉसिबल बता दें, भाईजन आप बता रहे हैं कि विजुअल बर्ड बड़ा महंगा है, तो मुझे यार ये विजुअल बर्ड में अपना ये मुझे पॉसिबल टू पॉसिबल और पॉसिबल टू पॉसिबल ये बर्ड मिल रहे हैं तो यार ये मुनासिब कीमत में भी है तो ये मैं लगा लेता हूँ। तो भाईजन अगर आपका दिल मानता है आप लगा सकते हैं, मेरा काम है आप भाइयों को अच्छा मशवरा देना। चले भाइयों उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको ये छोटी सी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इससे आप भाइयों की काफ़ी हेल्प होगी और आपको मदद होगी। इसमें कोशिश करें जो भी पेड़ लगाना है विजुअल टू विजुअल या विजुअल टू स्प्लिट, बस उससे नीचे ना जाए। इसके साथ ही अपने भाई अब्दुल वहाब को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।